हेलो सुखवीर जी मैंने देखा कि ग्रुप पे पूछा हुआ था लोगों ने तो मैंने टेन मिनट लेट इसलिए कहा था क्योंकि दरअसल आज मेरे ब्रदर का बर्थडे है और हेलो रजनी जी तो मुझे लग नहीं रहा था बिकॉज़ कुछ ऐसे रिलेटिव हैं जो नियर बाई ही रहते हैं बिल्कुल लोकल ही हैं तो इसलिए हेलो हरप्रीत ऋणसा जी आने देते हैं अभी दस बीस सेकेंड में सबको ना फिर स्टार्ट करते हैं छोटा ही टॉपिक है वैसे हेलो एबलाज वॉइस आज क्लियर आ रही है ठीक है रंजनी जी मैं विश कर दूंगी वो सेम उसी दिन हुआ था जिस दिन अमेरिका ने मतलब अमेरिका पर अटैक हुआ था प्रीत गिल कह रही है बफरिंग वॉइस का बताओ मुझे बफरिंग तो चलो ठीक है एक आधी बार चल जाएगी हेलो विंग्स ट्यूटर ठीक है तो आज मैंने ये सोचा था कि हम डिस्कस तो जेन ऑस्टन वैसे करने वाले थे हेलो अमनदीप लेकिन टाइम की कमी की वजह से जो स्विच हुआ टॉपिक उसमें यह है कि हम मैथ्यू ग्रेगरी लेविस को डिस्कस करेंगे हार्डली 42 या 43 थ्री ईयर्स का ही इनका स्पैन रहा था हेलो जगदीप जी मनिंदर जी ज़्यादा टाइम यह रहे ही नहीं लेकिन मीन वाइल जो भी वर्क इन्होंने लिखा स्पेशली द मंक द कासल एस्पेक्टेकर और ब्रावो करके भी इन्होंने एक टेक्स्ट लिखा था ठीक है तो गौथिक प्रीत कह रही है वॉइस भी वॉइस भी बफर कर रही है क्या आगे पीछे है एक सेकंड रुको नहीं मैंने चेक कर लिया प्रीति गिल जी ज़्यादा नहीं होगा दरअसल वो जो बफर करती है ना तो बफरिंग की वजह से हो जाता है मैंने ये देखा हाल फिलहाल दो तीन दिन जो गए पीछे ठीक है जब हम जॉन कीट से डिस्कस कर रहे थे पर्सी बाय से शैली डिस्कस कर रहे थे तो हेलो मनबीर सिंह जी गुड आफ्टरनून तो इन दो तीन वीडियोस में जो चीज़ मैंने नोट की पर्सनल लेवल पे वो ये कि या तो हम वन या वन पॉइंट फाइव वीक हो जाएगा ऑलमोस्ट डेढ़ हफ्ता हो जाएगा बहुत ज़्यादा ना वर्क ही डिस्कस कर रहे हैं ठीक है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो फ्लो है ना वो नहीं बन पा रहा मुझे ऐसे पर्सनल मैसेज आए कि अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया तो आज न्यूज के न्यूज़ के अकॉर्डिंग 94, 95,000 केसेस आए हैं 24 फ़ोर आवर्स में लास्ट 24 फोर आवर्स में अगर आपकी बॉडी ये सोच के रिलैक्स मोड पर चली गई है ना कि पेपर नहीं होगा तो मैं फिर ये कहूँगी कि थोड़ा सा ना स्पीड बढ़ा लो ठीक है तो कुछ तो इस तरीके के मैसेजेस आए हैं दूसरी बात कि वर्क ज़्यादा लग रहे हैं उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे पर्सी बाय से शैली का या जॉन कीड्स के ना दस दस ग्यारह ग्यारह वर्क हो गए और सबसे ज़्यादा जो इस एज की प्रॉब्लम थी रोमांटिक एज की जो आइडिया ऑफ इंसेस्ट था वो ईजिली लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा तीसरी बात कि पोइट्री बहुत ज़्यादा है रोमांटिक एज में पोइट्री कंपेरेटिवली बाकी जगह से सबसे ज़्यादा है ठीक है वर्ड्सवर्थ uh, की भी ज़्यादा है कोलरिज की भी ज़्यादा है कंपैरेटिवली वर्ड्सवर्थ वर्थ की ज़्यादा है और शैली की बहुत ज़्यादा है जॉन कीट्स की बहुत ज़्यादा है तो जब आप हेलो परमिंदर जी तो जब आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तो डेफिनेटली डीमोटिवेट de हो जाओगे उसका रीज़न ये है कि पोइट्री में लाइन्स जो होती हैं वो तभी तक दिमाग में रहेंगे जब तक वो यहाँ पे स्टोर हो गई है ठीक है टेक्स्ट आप पढ़ते हो नॉवल आप पढ़ते हो वो ज़्यादा टाइम तक स्टोर हो जाता है तो थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम आप फेस करोगे इसलिए आज मैंने जो किए हैं ना बहुत ही क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद ठीक है सारी चीज़ों को देखने के बाद मेजरली तीन ही वर्क को इंक्लूड किया है क्योंकि मुझे पता है पर्सी शैली में से और जॉन कीट्स में से या वर्ड्स में से कुछ छोड़ा नहीं जा सकता और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक एक दो दो बार पढ़नी पड़ेंगी तो प्लीज़ डीमोटिवेटेड फील ना करें मुझे पता है कि हो जाते हैं ठीक है एक दिन स्लॉट सही से चलता है शायद दो दिन चल जाता है तीसरे दिन वो नहीं हो पाता होगा वो है वो प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है तो एक हल्का राइटर और एक भारी भरकम राइटर ऐसे कर लेते हैं छोड़ तो नहीं सकते ना तो ऐसे कर लेते हैं पर्सी बायस शैली को किसके साथ करोगे आप ये आप देख लेना ठीक है वर्क तो उसके जितने मैंने बताए हैं उतने ही करने हैं कल की क्लास में गिन्नी जी ने एक बात कही थी इसाबेला और लामिया जो कि की जॉन कीट्स का था देखो उसमें से क्वेश्चन मैंने तो बहुत सारी जगह देख लिया क्वेश्चन नहीं बना ठीक है इसलिए मैंने उस वर्क को इंक्लूड नहीं किया था जो क्वेश्चन उसके जिस जिस प्ले से मतलब सॉरी जिस जिस पोम से या जिस जिस ओड से बनते थे वो मैंने इंक्लूड कर लिए ठीक है अब यहाँ पे मैथ्यू ग्रेगरी लेविस जो कि गोथिक नॉवल्स के राइटर हैं बेसिकली इन केस आवाज अगर ब्लर करे या जो भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे जस्ट मैसेज कर देना फर्स्ट चीज़ इनकी नॉवेल्स में सबसे ज़्यादा गौथिक देखने को मिलता है ऐसा नहीं है इन्होंने पोम्स नहीं लिखी इन्होंने टेल्स ऑफ वंडर एंड टेल्स ऑफ टेरर लिखी थी ये दरअसल दो पार्ट्स थे जिसमें इन्होंने गौथिक पोम्स को इंक्लूड किया था ठीक है तो इसका सिर्फ ईयर ध्यान रखना बाकी इसमें से कुछ एज सच नहीं पूछता एटीन जीरो वन है ठीक है तो ये बाद का काम है बट अगर ये पूछ लेना कि टेल्स ऑफ वंडर किसने लिखा है टेल्स ऑफ़ टेरर किसने लिखा है तो लेविस ने लिखा है इसके अलावा इनको पढ़ने की यहाँ से ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन क्यों क्यों इसमें से नहीं बन पा दूसरी चीज़ एक वर्क इसका है द मंक ये वर्क जब आया था सेवनटीन में इस वर्क को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था ठीक है क्योंकि नाम यूज किया था मंक तो मंक का क्या काम होता है मंक का काम होता है एक तरीके से प्रेयर करना ठीक है इससे पहले वाली जितनी भी जनरेशन गई है आइडिया ऑफ इंसेस्ट जो आया था ना ठीक है जब चार्ल्स टू आते हैं यानी कि सिक्सटीन में तभी से जो सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज हैं वो गिरने लगी थी हर तरीके के टेक्स्ट में जो सेक्सुअलिटी है उसको टारगेट किया गया था ठीक है एंड नंबर ऑफ अफेयर्स दिखाए गए थे जो कि हम पोम्स में पढ़ चुके हैं अब यहाँ पे कहते हैं कि एक हद हो गई थी जब किसी प्रीस्ट को ऐसा करते हुए दिखा दिया तो ये जो चीज़ है ना पहले तो लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की लेकिन उनको पढ़ने में मज़ा भी आया तो ये उस टाइम आप कह सकते हो कि ये ब्लॉक हिट थी ठीक है जैसे आज होती है ना कि बहुत ज़्यादा नॉवल्स uh, आती हैं देन पब्लिश होती हैं फिर वो बेस्ट सेलिंग बुक्स में आ जाती हैं तो मंक के साथ यही था जब लोगों ने इसको पढ़ा तो इन्होंने एक नाम दे दिया ग्रेगरी के नाम के साथ मंक लेविस लग गया ठीक है इसलिए आप जब इसके बारे में सर्च करोगे ना तो आपको मंक लेविस करके ग्रेगरी या मैथ्यू ग्रेगरी लेविस का नाम मिल जाएगा अब हल्का सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ वैसे तो आपको ये पढ़नी है मंक और बहुत क्लोजली पढ़नी है क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स हैं कैरेक्टर में से क्वेश्चन पूछ लेता है ठीक है अब ये गोथिक जो आइडिया था इनको एन रेड क्लिफ से मिला था अब ये ये कौन थे ये पायनियर कही जाती हैं, ठीक है चीके? तो जो बिगनर थी ना गोथिक आइडियोलॉजी की ये ये वाली थी एन रेड क्लिफ जिन्होंने द मिस्ट्रीज ऑफ यू लिखा था जो कि बड़ा फेमस हुआ था लेकिन दिक्कत इनके साथ ये आई कि ये फीमेल थी ठीक है तो कुछ नॉवेल्स इनकी बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना बेकार वेस्ट कि रीडर नहीं मिल रहा था पढ़ने के लिए ठीक है लेकिन मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो बड़ी फेमस हुई थी तो इनसे एंड रेड क्लिप से आइडिया लिया था दूसरी बात मंक मंक को टारगेट किया है इसमें एक मंक की स्टोरी है ठीक है और उस मंक का जो काम है ना जो उसका वर्क है मंक का क्या काम होता है लोगों को प्रीच करना लोगों को गाइड करना रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ठीक है और सोशल कॉन्टेक्स्ट में अगर मंक ही सेक्सुअल रिलेशनशिप को करने लग जाए तो फिर आप सोचो कि उसका ये जो डेजिग्नेशन है ये उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर रहा क्योंकि रिलीजियस टर्म पे अगर किसी को मंक बनना होता है या नन बनना होता है ये मेल होते हैं ये फीमेल ठीक है ये आइडियोलॉजी या ये रिलीजियस जो पोजिशन है अगर कोई अडॉप्ट करता है ना अपनी खुशी से तो उसको जो वर्ल्डली प्लेजर्स होते हैं उनका सेक्रीफाइज करना होता है ठीक है आज भी लोग दीक्षा लेते हैं यानी कि उसका मतलब ये होता है कि बहुत ही यंग एज में या एक सर्टेन एज को पार करने के बाद इन वर्ल्ड की चीज़ों से यानी कि जिस जिस से उनको मोह है अटैचमेंट है वो दूर हो जाते हैं और सारा टाइम क्या करते हैं मेडिटेट करते हैं और एक ऐसी सराउंडिंग में रहते हैं जो कि पॉजिटिव वाइब्स देता है यहाँ पे इसके साथ उल्टा हुआ है मंक पहले अपने जो स्पेयर है उसमें एक लेडी को पकड़ता है दरअसल वो नन होती है ठीक है उसको ये पता चलता है कि शी वॉज इन अ रिलेशनशिप विद समवन उस पर ये पीछा करता है और हाँ जी सेलेबसी उसके बाद क्या होता है कि उसको ये पता चलता है कि एक्चुअली श्री वॉज प्रेग्नेंट प्रेगनेंट तो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो उसको ये जो मंक है उस नन को पनिश करवाता है तो ये एज अ डोमिनेंट फिगर है स्टार्टिंग में ठीक है तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ही वॉज सेटिंग एन एग्जाम्पल लेकिन बीच में ठीक है सब को दूर करते करते खुद ये इसका टारगेट बन जाता है और लोगों को भी बनाता है थैंक यू सो मच मनबीर जी मैं उसको विश कर दूँगी इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है एम्ब्रोसियो ठीक है तो एम्ब्रोसियो का जो कैरेक्टर है ये दो एक्टिविटीज़ में है फर्स्ट इंसेस्ट नेक्स्ट रेप दो इसमें टारगेट दिए गए हैं दोनों ही थैंक यू सो मच एवलाज दो चीज़ों के बारे में बात की गई है कि खुद बड़ा स्ट्रिक्ट शो करता है लेकिन जो इसके एक्ट हैं या जो इसकी डीड्स हैं आइडिया ऑफ इंसेस्ट आई गेस क्लियर हो गया होगा ठीक है दो या तीन लेक्चर्स में हम इसी आइडिया को डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लिखा गया है चल रहा है आई गेस हाँ एम्ब्रोसियो तक दिखा दिया इसने इसके पैरलर एक मंक आती है जहाँ ये काम करता है ना दरअसल वो क्या होती है वो एक लेडी होती हैं जिसका नाम होता है मटिल्डा ठीक है अब मटिल्डा क्या है सारे लोगों को दिखाती हैं कि एक्चुअली ये मैन है जैसे आइडिया ऑफ डिस्गस होता है ना जो शेक्सपियर के प्लेज में भी देखने को मिलता है कि लेडी हैं बट मैन बन के घूमती हैं जैसे कि एज यू लाइक इट में रोजालिंड जो है वो ज्ञानीमीड बन के घूमती है बहुत सारे ऐसे क्रॉस ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है लेकिन मंक को एक दिन जब वो तैयार हो रही होती है ड्रेसअप हो रही होती है तो पता चल जाता है कि वो एक वूमन है ये शो नहीं करता बट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ठीक है और एक मंक को उस सोसाइटी में ये चीज़ें जिसे कहते हैं ना शोभा नहीं देती डिग्निटी के अपोजिट है ये वही काम करता है थैंक यू प्रीत गिल जी तो इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था मंक को ये सबकी परवाह ना करते हुए मेटिल्डा को अपने पास रखता है ठीक है एज अ सोलमेट साथ ही साथ एक और कैरेक्टर है कैरेक्टर तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको जिन पे फोकस करना है वो है एंटोनिया ठीक है अब एंटोनिया की जो मैरिज है वो किसी और के साथ होनी होती है तो इनका जो हीरो है ठीक है उसको एम्ब्रोसियो से लड़वाया जाता है वो खुद ही एम्ब्रोसियो प्लान करते हैं देन एम्ब्रोसियो और इसका कनेक्शन दिखाया गया ठीक है तो एम्ब्रोसियो जो है इस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं तो कुछ इस तरीके की कहानी इसकी है हाँ जी अमनदीप जी मटिल्डा, एवलाज हाँ जी मटिल्डा जो है मैरी शैली की भी नॉवल थी ठीक है कल ही डिस्कस की थी ना? और उसमें कहा जाता है कि तीन की स्टोरी चलती है पर्सी की और गॉडविन की और इनकी खुद की ठीक है तो ये जो डिपिक्शन है कि एक इंसेस्ट का आइडिया वायलेंस का आइडिया और क्या है ये जो वायलेंस है ये ये वाली नहीं है प्लस मर्डर भी है तो जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है ना वो सारी मंक के अंदर है मंक की खूबियाँ की बजाय मतलब क्वालिटीज की बजाय जो डिसक्वालिटीज़ हैं उनको डिपिक्ट किया है तो उस टाइम की सोसाइटी में अगर ये पॉपुलर हुई थी तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके के रीडर्स होंगे ठीक है क्रिश्चियन वैल्यूज का जो है किस तरीके से डिग्रेडेशन दिखाया गया है मॉरल वैल्यूज को जो मोरल है ना उसको टारगेट किया गया है तो ये जरा पढ़ना है क्योंकि ये मास्टर इसका माना जाता है दूसरी बात कोलरिज ने कहा था कोलरिज ने इसको क्रिटिसाइज किया था जो इसकी नॉवल है ना ये द मंक बेसिकली दमक ए रोमांस है इसका पूरा नाम ठीक है 1796 में आई थी तो ये पूरा नाम है पूछ लेता है कई बार कोलरेज ने कहा था इफ एनी पेरेंट विल सी दिस बुक इन द हैंड्स ऑफ हिज और हर डॉटर तो क्या होगा अगर देख लेंगे तो दे विल टर्न पेल ये वर्ड उसने यूज किया था ये एग्जैक्ट उसी की स्टेटमेंट है कि ऐसे टाइम में अगर किसी ने ये बुक अपने बच्चे डॉटर के हाथ में या सन के हाथ में देख ली ना द मंक तो उनका क्या होगा जो फेस है डेफिनेटली दे विल टर्न पेल हाँ जी लर्निंग बाय को नेक्स्ट जो है कासल ऑफ स्पेक्टर क्योंकि गौथल गौथिक है ना तो कासल क्या होता है बेसिकली एक बहुत बड़ी जगह होती है ठीक है तो उसमें क्या है ये हॉन्टेड प्लेस है आइडिया ऑफ हॉरर है सेम कुछ मिलता जुलता ही आइडिया इसमें भी है इसमें ओसलैंडो करके एक कैरेक्टर है जो कि नेगेटिव कैरेक्टर है ठीक है वो वो जो आइडिया ऑफ इंसेस्ट था ना वो इसमें भी चलता है ओसलैंडो किसके लिए डिजायर रखता है इसके नीस के लिए एवेलिना नाम होता है उसका हाँ जी सिस ऑफ एम्ब्रोसियो हाँ जी अमनदीप जी ठीक है वैसे तो स्टोरी आ, आ, बहुत ज़्यादा ही है शायद अगर कोई ये फर्स्ट वीडियो देखेगा ना तो उसको लगेगा पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने लिमिटेड वर्ड के साथ करी हाँ जी एबलाज द मंक इज़ अ गोथिक नॉवल गोथिक जॉनर में है ना तो गोथिक नॉवल है बट ये पूरा नाम इसका रोमांस है इसके साथ आइडिया ही है ये ठीक है इसलिए मैंने बहुत लिमिटेड वर्ड्स में बताया है उसका रीजन ये भी है जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा इन केस कहीं प्रॉब्लम आए तो बता देना सारे के सारे गौथिक जॉनर हैं और इसको कहा जाता है ड्रामेटिक रोमांस दो ऑपोजिट वर्ड कहूंगी मैं एक तरीके से ड्रामेटिक भी है रोमांस भी है और ये पांच एक्ट्स में है ठीक है अपनी नीस के साथ हाँ जी प्रीत गिल जी किला किला कह सकते हो आप ठीक है तो क्या कहें आप उसको कासल ही है बहुत बड़ी तो अब नीस से ऐसा इंसेस्ट या ऐसे आइडियोलॉजी अगर ये रखते हैं एवेलिना तो उसके पीछे पड़े रहते हैं एवलिना को डिपेक्ट किया है बहुत ही केयरिंग नेचर है मतलब जो जो क्वालिटीज किसी पर्सन में किसी फीमेल में कोड ऑफ कॉन्डक्ट के हिसाब से देखी जाती हैं, वो सब एवेलिना में है इसीलिए डिज़ायर करता है उसको ये जो पर्सन है इसका जो रूटीन है बहुत ही मंडेन है मंडेन का मतलब होता है कि रूटीन में कुछ नया नहीं है जो सारी एक्टिविटीज ये करता रहता है वही चलती रहती है नॉर्मल रूटीन में बस इसका ध्यान किस चीज़ पे है सारी चीज़ें इसको बेकार लगती हैं सिर्फ एवेलना अच्छा लग अच्छा लगती है मतलब और कोई चीज़ इसकी लाइफ में अभी है नहीं सिर्फ एवेलना है एंट्री होती है फिर एक लॉर्ड की ये भी खुद अर्ल है ठीक है अर्ल का मतलब होता है कहीं के राजा ठीक है अब एक और लॉर्ड पर्सी आते हैं अब आप कहोगे परसी बाय सिर्फ शैली से पीछा छूटा नहीं फिर से पर्सी आ गया ये एवेलिना के हीरो हैं लेकिन मीन ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर कासल स्पेक्टिकर स्पेक्टर में हैं जो कि आपको परेशान करेंगे आइडिया समझ लो आइडिया समझना मेन है चल रहा है अभी तो पीछे ही चल रहा है बल्कि तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आई के ज्यादा ही लिख दिया है ठीक है ड्रामेटिक रोमांस है फाइव एक्ट्स में है और लॉर्ड पर्सी का जो कैरेक्टर है इनके आने के बाद चीजें कुछ हद तक सही होती हैं तो आइडिया ऑफ इंसेस्ट वायलेंस फिर से वही चीज एज इट इज आपको इन दो नॉवेल्स में यही चीज मिलेंगी ठीक है तो इन दो को पढ़ लेना हाँ जी अमनदीप जी आयरन यही है कि मंक था टाइटल में सबसे बड़ा तो यही था ना कोलरिज ने यही तो कहा था कि अगर आप टाइटल देखोगे तो आपको लगेगा मंक यानी कि रिलीजन या क्रिश्चियन वैल्यूज़ को सिखाने की कोशिश कर रहा होगा बिकॉज बेसिकली जो बाहर ब्रॉड लेवल पे जो रिलीजन फॉलो किया जाता था वो क्रिश्चियनिटी था हाँ उसके अपने सब डिविजन्स हैं कि कैथोलिक अलग हैं एंग्लिकन अलग है प्रोटेस्टेंट अलग हैं ठीक है, है ठीके? तो बेसिक जो टर्म है वो क्रिश्चैनिटी ही है लेकिन जब आप उसके काम देखोगे ना कि किस तरीके से उसने क्रिश्चियन वैल्यूज़ का मतलब फ़ायदा उठाया है लोगों को बुलाता था अपने पास देन वो इस तरीके के काम करता था तो ये चीज़ें जो है अच्छी नहीं थी सोसाइटी के लिए तो किसी ने लास्ट टाइम ये कहा था ना कि बच्चे बिगड़ जाते हैं ऐसी चीज़ों को पढ़ के तो इसीलिए लिए ने टारगेट किया था कि जो वर्ड है ना रोमांटिक मूवमेंट तो कुछ राइटर्स थे जो उस आइडियोलॉजी को गलत सेंस में लेके चले गए ठीक है रोमांटिक का मतलब ये था कि एक नया आइडिया जिसमें कि थोड़ा जो पेट्रियोटिज़्म है वो अपने देश के लिए है जहाँ रहते हैं वो मैन के लिए है उसकी सराउंडिंग है एज एन इंडिविजुअल और सोसाइटी में उसका क्या रोल है बट ये वाला जो हॉरर टेक्स्ट आया ना इसका जो कॉन्सेप्ट आया या जो इन राइटर्स की अपनी लाइफ थी वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करती थी हाँ मुझे याद है प्रीतिकिल मैंने नाम नहीं लिया मैंने कहा फिर ये हो जाएगा लेकिन मुझे ध्यान था ठीक है तो ये दो चीजें ही पढ़नी है इसमें तीसरा है ब्रावो लेकिन मैं ब्रावो पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि मैंने एटलीस्ट बहुत सारे पेपर्स देखे तो ब्रावो नाम का जो इसका टेक्स्ट है ना उसमें से क्वेश्चन नहीं आया ठीक है तो पहला वर्क इसका मंक मंक में से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है सीधा सीधा कैरेक्टर भी पूछ लेता है तो मंक में कितने कैरेक्टर थे उसका थीम मैंने आपको बता दिया इंसेस्ट पे ज्यादा फोकस किया गया है अभी वो वो जो आइडियोलॉजी है ना इंसेस्ट की वो आगे बहुत ज़्यादा परेशान करेगी क्योंकि ये आने वाला जो एरा है विक्टोरियन भी और ट्वेंटी सेंचुरी भी इवन जो वर्ड्सवर्थ की वर्ड्सवर्थ कह रही हूँ जो ईट्स की विलियम बटलर ईट्स की भी है ना पोइट्री उसमें भी परेशान करेगा और जो टी एस एलियट का है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ रॉक उसमें भी परेशान करेगा वेस्ट लैंड में है अ गेम एट चेस ऐसे करके सेकंड शायद पार्ट पार्ट टू है उसका उसमें भी परेशान करेगा तो अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। रमनदीप कह रही हैं परेशानी हो रही है मतलब डिफ़िकल्ट लग रहा है इसका यही इलाज है जो वर्क यहाँ पे है ना उनकी समरी पढ़ लो नोट डाउन करो आप जब इन दो टेक्स्ट को अगर एक ही दिन में पढ़ोगे ना तो इसमें भी कैरेक्टर मिक्स हो जाएंगे तो टाइम को यूज़ करने का यही तरीका है कि जो जो वर्क यहाँ पढ़ रहे हैं ठीक है ठीके? एक दिन लगाओ दो दिन लगाओ तीन दिन लगाओ यहाँ वीडियोस चलती हैं आगे पीछे स्लॉट हो जाता है कि यार मैंने पिछली दो वीडियोस नहीं देखी मैंने लास्ट जो वीडियो कंप्लीट देखी थी वो तीन दिन पहले वाली देखी थी तो मैंने देखा एनालिटिक्स के हिसाब से मतलब यूट्यूब एनालिसिस होता है ना तो पता चल जाता है कौन कौन देख रहा है और कितना देख रहा है तो उसके हिसाब से यही है कि पहले स्टार्टिंग में चीज़ें सही चल रही थी बट एनालिटिक्स के हिसाब से मुझे आइडिया हो रहा है क्योंकि कितना कौन सा एज ग्रुप देखता है वो भी बता देता है तो उसके हिसाब से जो जो आईडीज़ शो कर रहा है या जो जो टाइम पीरियड मुझे पता चल रहा है वो ये कि ज़्यादा वर्क होने की वजह से काफ़ी लोगों का इनफैक्ट मोर देन 80% परसेंट लोगों का 80 टू 90% परसेंट लोगों का स्लॉट आगे पीछे चल रहा है उसका रीज़न ही यही है कि एंड नंबर ऑफ वर्क है और उसके बाद भी क्या होता है जैसे ही स्विच करते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ठीक है यही रीज़न है कि दो दिन पीछे चल रहे हैं स्लॉट के हिसाब से तीन दिन पीछे चल रहे हैं और फिर फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ की है कि टाइम नहीं मिल पा रहा तो इसका बेस्ट तरीका यही है ये यह छोटा टॉपिक है इसको ख़त्म कर लो ठीक है मैरी शैली छोटा टॉपिक है उसको ख़त्म कर लो उनको ख़त्म करके ना एटलीस्ट एक, एक बार ये हो जाएगा कि हाँ हमने पढ़ लिया अलग रख दो एक जो गलती लोग कर रहे हैं वो ये कि जितने भी पेपर्स हैं ना नेट पे डाल के देखते हैं अब नेट पे आज ही की बात है कुछ डिस्कशन चल रहा था ग्रुप पे एक सवाल को जब तक आप समझोगे नहीं वो चार जगह चारों ही ऑप्शन दिखाएगा अब जब आपको पता है कि मैंने ये पढ़ा था और आंसर उसने गलत दिखाया है फिर क्या होगा सब के सब आंसर देंगे और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी तो बेस्ट तरीका यही है कि, कि किसी दूसरे की सुनने से पहले पहले खुद पढ़ लो खुद पढ़ लो एक साइड को रेफ़र करो दो साइड को रेफ़र करो अगर फ्रेंकनस्टीन भी पढ़ रहे हो तो टेक्स्ट पढ़ना इतना आसान नहीं है ग्रेट सेवर से पढ़ लो स्पार्क नोट्स पढ़ लो काफी चीज़ों के स्पार्क नोट्स अवेलेबल नहीं है तो ई e नोट्स क्योंकि पेड होते हैं बुक रैग्स भी पेड होता है एटलीस्ट कुछ तो लाइंस वहाँ दी होती हैं पढ़ लो उतना पढ़ लो कि आप ये ना कह सको जी मैंने एक ही जगह से पढ़ा है तीन वेबसाइट से मिनिमम पढ़ लो बस हाँ जी रमनदीप कौर राणा जी संदीप कह रहे हैं कि मेरा तो पीछे चल रहा है हाँ यही चल रहा है आप ही का नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोगों का चल रहा है क्योंकि अगर एक दिन में दस वर्क बता दिए अब मैंने शैली के भी दस बता दिए ग्यारह बता दिए कीट्स के भी दस ग्यारह बता दिए एक दिन में तो उनको फिर उस तरीके से ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है ना कितने पढ़ पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा उनके पाँच वर्क पढ़ लोगे दिमाग की भी अपनी कैपेसिटी है ना तो इससे तो बेटर है कि जो कर रहे हो वो लिखते जाओ और जो नहीं किया है उसको भी अलग लिख लो जिससे कि बाद में दोबारा ये क्लैश नहीं होगा इसको इसी तरीके से डील किया जा सकता है कि एक राइटर के नाम दो पेजेस रख दिए कि क्या मैंने कर लिया है क्या मुझे क्लियर हो गया और दूसरे पेज पे या दूसरे कॉलम में ये लिख दिया कि क्या चीज़ डिफिकल्ट है जो मुझे चार बार पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं हुई मुझे मैसेज आया था अभी भी किसी का फैंसी और इमेजिनेशन का जो कॉन्सेप्ट उसने बताया है कोलरिज ने हालांकि दो से तीन बार में क्लियर कर चुकी एक बार में ग्रुप पे कर चुकी अभी भी वो वी वही वीडियो चल रही है ठीक है तो ये चीज़ें हैं जो परेशान करती है नेगेटिव कैपेबिलिटी कल समझ आ गई आज शाम को पूछी जाएगी तो भूल जाएंगे कल पूछी जाएगी तो भूल जाएंगे उसको रिलेट करना है स्केप्टिसिज्म मूवमेंट के साथ वो लिटरेचर में नहीं है स्केप्टिक मूवमेंट हमारे पास लिटरेचर में नहीं है उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ हाँ जी प्रीत गिल जी स्केप्टिक मूवमेंट ये कहती है कि जो भी लिखा गया है ना उसके लिए सर्टिफाइड नॉलेज होनी चाहिए आप उसको कहीं भी देखेंगे तो वो लिटरेचर में है ही नहीं वो जितने भी राइटर्स उस एज में है ना या तो वो सिगमंड फ्रॉयड की तरह साइको एनालिसिस पे काम करते होंगे जिसने कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दिया और लोगों ने इसको कह दिया सिगमंड फ्रॉयड नाम नहीं है इसका फ्रॉड नाम है इसका ठीक है तो वो हमारे पास है ही नहीं हमारे लिटरेचर में स्केप्टिज़्म नहीं है स्केप्टिज़म क्या होता है कि, कि किसी भी चीज़ को आपने लिखा आप उसका प्रूफ मांग रहे हो प्रूफ वाला काम लिटरेचर में नहीं होता ठीक है प्रूफ कहाँ होता है जहाँ पे उस चीज़ को प्रूव करना पड़े लिटरेचर क्या है लिटरेचर इज़ ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी इट्सल्फ कि जो सोसाइटी में चल रहा है हमने उसको लिख दिया अब मैं आपसे पूछूँ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैंने तो नहीं देखा मुझे बताओ कहाँ है कितनी बार प्रूव करोगे तो लिटरेचर में स्केप्टिज्म नहीं है ठीक है पांच तरीके के स्केप्टिसिज्म जो हैं वो फिलॉसफी से रिलेटेड हैं फिलोसफर्स का काम है वो हमारा नहीं है तो उसको कीट्स से, से ना रिलेट करें हाँ जी प्रीत गिल जी ठीक है तो ये वाला टॉपिक आज ज़रा ध्यान रखो मीनवाइल मैं कोशिश कर रही हूँ कि दस दस क्वेश्चन बना के डालूं लेकिन वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेंगे क्योंकि सारे टाइम लोग नहीं आ पाएंगे ठीक है और तीन क्लासेस मेरे लिए तो हो जाएंगी पॉसिबल लेकिन आप पे ज़ोर पड़ेगा तो बेस्ट यही होगा दस दस क्वेश्चन बना के डाल दूं जब जो मौका लगे देख लो वीडियो पढ़ी रहेगी तो आपको ये हो जाएगा एटलीस्ट के दस दिन कर रहे हैं क्वेश्चन और मैंने क्या दिया है आज यू नेट के पेपर नाइनटीन से ठीक है 2016 तक बाय द टाइम जो मैंने लास्ट क्लियर किया था उसी तक के थे मेरे पास उसके बाद के मैंने लिए नहीं अवेलेबल है वैसे तो लेकिन उनकी जो स्टार्टिंग की लैंग्वेज है ना 94, 95, 96 आपको बहुत सारे ऐसे अच्छे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे बाद में आप नेट पे देखोगे तो 2000 थाउजेंड ऑनवर्ड्स मिलेंगे ठीक है तो अगर आप एक स्ट्रैटेजी बना सको तो यह कर लो कि उनमें से एक पेपर ना दिन में सॉल्व कर लो हाँ जी मनबीर जी ये भी है ठीक है एक एक पेपर भी अगर आप हर दिन पढ़ लेते हो ना कुछ ना कुछ दिमाग में जा रहा है या फिर एक और ऑप्शन है जो भी टॉपिक आप जहां से पढ़ रहे हो सर्च बॉक्स में यूजीसी वाली जो पीडीएफ है ना उसमें पोप डालो ड्राइडन डालो या जो भी आप पढ़ रहे हो वो राइटर डालो तो आपको क्वेश्चन अगर दस क्वेश्चन भी आप जो पढ़ रहे हो उस पर आपको मिल जाएँ तो समझो कि आपने काम कर लिया ज़्यादा टारगेट नहीं रखना चाहिए पता है ज़्यादा बड़ा टारगेट रखोगे वो पूरा नहीं होगा तो आने वाले दस दिन बेकार हो जाएंगे दो दिन भी नहीं छोटे टारगेट रखो कि मेरे को आज दस क्वेश्चन ये कर रहे हैं बट दस क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि वो यूज़फुल हों ठीक है तो छोटे टारगेट बनाओ हाँ जी प्रीत गिल जी छोटे टारगेट बनाओ ताकि मोटिवेटेड रहो सोचते हैं लोग पचास क्वेश्चन कर लेते हैं बीस क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक है तीस क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन आप कर रहे हो लेकिन आज तो आपने स्टार्ट कर दिया दो दिन कर लिया तीन दिन कर लिया उसके बाद क्या होगा तो बेस्ट तो यही है ना मिनिमम स्ट्रैटेजी रखो आज दस कर रहे हो एक हफ्ते तक दस करोगे फिर बारह करोगे फिर पंद्रह करोगे वो ज़्यादा बेटर तरीका है हेलो मीनू जी ठीक है तो इसकी आज जरा समरी पढ़ लो ग्रेगरी लेविस की मीन मैं देखती हूँ मैं सोच रही हूँ कि इंडिविजुअली टेक्स्ट की ना वीडियोस बना के डाल दूँ मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे इंडिविजुअल मैसेज कर देना कि किसको किस टेक्स्ट में प्रॉब्लम है ताकि मैं एक चार्ट बना सकूँ बहुत सारे लोगों को डॉक्टर फॉस्टर्स क्लियर नहीं है ठीक है बहुत सारे लोगों को क्लियर है मान लो मैं अपना टाइम लगा के पंद्रह मिनट की वीडियो डॉक्टर फॉस्टर्स पर डाल दूँ अब जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है वो उसको देखेंगे नहीं ठीक है बट क्वेश्चन ज़रूर आएंगे तो अपना अपना बेस आप सबको पता है मैसेज कर दो अगर दो महीने बाद पेपर वाकई में हो गया ना तो फिर प्रॉब्लम होगी ठीक है डरा नहीं रही हूँ मैं बता रही हूँ क्योंकि केसेस तो बढ़ रहे हैं और 21 सितंबर से नाइन्थ टू ट्वेल्थ के स्कूल खुलने वाले थे जिसपे कि स्टे लग गया है ठीक है यू का पेपर पंद्रह सोलह के अराउंड बोल रहे हैं सेप्टेम्बर में पता नहीं होगा कि नहीं होगा कुछ यूनिवर्सिटीज ने पेपर ले लिए हैं और कुछ के रहते हैं उन पे भी केस चल रहा है तो नोबडी नोज संदीप कह रहे हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो व्हाट्सएप ग्रुप ठीक है मैं नंबर डाल देती हूँ उसमें आज ग्रुप में बट द बेस्ट थिंग अबाउट टेलीग्राम इज के लोग आ जाते हैं एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट टेलीग्राम इज की एनी वन केन डू एनी काइंड ऑफ ताका झाकी इवन विदाउट ज्वाइनिंग द ग्रुप ठीक है हाँ जी एवलाज एडमिट कार्ड नहीं आए तो एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो एक महीना मिलेगा ना ठीक है और अगर आप यूनिवर्सिटी का चार्ट से देखो तो अक्टूबर में अभी रिजल्ट नहीं आया है मतलब सितंबर में रिजल्ट नहीं आया है यू का चार्ट रिलीज हो गया है कि दिसंबर में सेमेस्टर होगा तो जो थर्ड सेमेस्टर देंगे फर्स्ट सेमेस्टर देंगे या फिफ्थ सेमेस्टर देंगे बच्चे आ, उनका पेपर हो जाएंगे तो एक रैंडम आइडिया मान के चलो ना हम क्यों ये सोचें कि नेक्स्ट ईयर होगा पेपर तो तो हम नहीं पढ़ सकते ठीक है आ जाएंगे एडमिट कार्ड कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है वो गाइडलाइन का वेट कर रहे हैं बस ठीक है तो थोड़ा प्लीज़ ध्यान रखो इन चीज़ों का बाकी मैं शाम को मिलती हूँ आपसे हल्का ही टॉपिक रखूंगी हाँ जी प्रीत गिल जी नहीं आए अभी ठीक है एक रैंडम चीज़ बोल रहे हैं कि पंद्रह से होने थे मैंने आपको बताया ना स्टे लग गया अभी ठीक है सी का भी पेपर होना था बट स्टे लग गया है अभी पाँच महीने पुरानी ही इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है सीटट पे अभी ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि अभी तक हमारे जो कंपार्टमेंट के पेपर है ना बच्चों के टेंथ और ट्वेल्थ वालों के वो भी नहीं हुए पता नहीं कैसे होंगे नहीं पता अगर नवंबर में ले तो संदीप जी कह रहे हैं संदीप जी होने को हो सकता है ठीक है बोल तो दिखा तो ये भी रहे थे किसी न्यूज़ चैनल पे मैंने देखा था उसकी टीआरपी भी अच्छी है ऐसी बात नहीं है उसमें कह रहे थे कि दो साल तक कोरोना रहेगा अब कोरोना शायद होल लाइफ रहेगा ठीक है तो इसमें जीना सीख लीजिए थोड़ा इकोनॉमी पे असर पड़ेगा इसीलिए बोल रही हूँ थोड़ा सा जीना इसके साथ सीख लीजिए थोड़ा हल्का सा काम करेंगे मतलब या तो चार्ल्स इलाम को डिस्कस करेंगे या फिर देखते हैं अभी जेन ऑस्टिन को मैं सोच रही थी बट इतने सारे वर्क के साथ ना बीती वीडियोज़ को देख कर प्रॉब्लम हो जाएगी अभी ये काम करो कि अभी मैं नंबर पोस्ट कर रही हूँ ग्रुप पर ठीक है एक ग्रुप बना रही हूँ व्हाट्सएप पर मुझे जल्दी से आके ना जो भी अभी तक वीडियोज़ चाहिए ठीक है मुझे पाँच बजे से पहले पहले एक रैंडम आइडिया दे दो ताकि मैं मैनेज कर सकूँ चीज़ें मुझे भी अपना टाइम टेबल देखना है ठीक है इसीलिए मैं ऑफलाइन हो रही हूँ आज बहुत ज़्यादा बात हो गई इसके चक्कर में